कैसे हैं आप? अभी मजे कर रहे हैं आप लोग एडवांस के प्रॉब्लम के साथ? एडवांस आईआईटी एडवांस का प्रॉब्लम बनाना भी मजे करने से कम नहीं है। आपको अगर मन नहीं लग रहा है तो एक एडवांस के प्रॉब्लम लेके बैठ जाइए, दिन कब गुजर जाएगा आपका पता नहीं चलेगा, है ना। तो टाइम पास करने के लिए एडवांस का प्रॉब्लम उठा के और उसमें लगे रहना, ये सबसे अच्छा उपाय है। तो अभी हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस 2023 का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। वन बाय वन क्वेश्चन का सॉल्व हम करते जा रहे हैं, अलग अलग वीडियो में एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, जो आसानी से बच्चों के समझ में आए वैसे तरीके से हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। इसी कड़ी में 2023 आईआईटी सेक्शन वन का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आया है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, वाई कोई भी रियल नंबर है, कॉट इनवर्स वाई बिलोंग्स टू 0 टू 5, मतलब वाई निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, टेन इनवर्स वाई माइनस फाइव बाई टू टू फाइव बाई टू, यहां भी बता रहा है कि वाई पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। देन सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेन इनवर्स 6 वाई अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6 वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 4 मॉड वाई लेस देन 3। ये जीरो ग्रेटर लेस देन मॉड वाई लिखने से कोई मतलब नहीं है, मॉड वाई तो हमेशा जीरो से बड़ा होता ही होता है, तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ इसको देखिएगा कि मॉड वाई 3 से छोटा है। मॉड वाई 3 से छोटा है इसका मतलब वाई माइनस थ्री से थ्री के रेंज में है, वाई की वैल्यू माइनस थ्री से थ्री के बीच लाइक कर रही है, तो इसके बीच में वाई की जितनी भी वैल्यू आएगी सारी वैल्यूज का सम करना है, सारे वैल्यूज को ऐड करना है और ऐड करके जो रिजल्ट आएगा इनमें से किसी एक ऑप्शन से मिलाना है। तो देखते हैं वाई की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी। अगर क्वेश्चन देखे तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में आ जाएगा कि टेन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है और कॉट इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है एक दूसरे का उल्टा है, और ये तो होता ही है, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई एक्स होता है। आप पढ़े ही होंगे फॉर्मूला, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स वन बाई एक्स जब एक्स पॉजिटिव हो तो, और पाई प्लस टेन इनवर्स वन बाई एक्स होता है जब एक्स निगेटिव हो तो। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं कि एक्स पॉजिटिव होगा तो कॉट इनवर्स के जगह पर टेन इनवर्स वन बाई एक्स लेके चलेंगे, और एक्स जब निगेटिव होगा तो कॉट इनवर्स एक्स की जगह पर पाई प्लस टेन इनवर्स वन बाई एक्स लेके चलेंगे। तो माइनस थ्री से थ्री जो वाई की वैल्यू है उसको दो केस में हम कन्वर्ट कर दें, ब्रेक कर दें, केस वन ले लें। केस वन, व्हेन वाई इज पॉजिटिव, जीरो लेस देन वाई लेस देन थ्री हो, वाई जीरो से थ्री के बीच में हो तो एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा तो कॉट इनवर्स एक्स के जगह पर टेन इनवर्स वन बाई एक्स लिख सकते हैं। फिर ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, आइए देखते हैं, करते हैं इसका सोल्यूशन। आप देख रहे हैं माथा सिगर चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। टेन इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, कॉट इनवर्स x को टेन इनवर्स, अरे टेन क्यों लिख दिया भैया, टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, तो टेन इनवर्स 1 बाई एक्स मतलब इसका रिवर्स कर दें तो सेम बन जाएगा, टेन इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ये दोनों तो सेम है तो ऐड कर दे 2 टेन इनवर्स 6 बाई अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई बाई 3, 2 राइट साइड भेज दें तो टेन इनवर्स 6 बाई अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये पाई बाई 3 बन जाएगा, ये बन गया 6 बाई अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है भैया, टेन पाई बाई थ्री वन बाई, अरे पाई बाई थ्री कैसे आया भाई, हाँ ठीक है पाई बाई थ्री, टेन पाई बाई थ्री रूट थ्री होता है, टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू रूट थ्री होता है, तो अदला बदली कर दिया जाए भाई,
नाइन माइनस वाई इधर भेज दे, नाइन माइनस वाई स्क्वायर रूट थ्री को डिवाइड में भेज दीजिए, नाइन माइनस वाई है ना, इधर लिखता हूं सिक्स वाई अपॉन रूट थ्री इक्वल टू नाइन माइनस वाई स्क्वायर। सिक्स सिक्स नहीं है भाई, सिक्स टू इंटू थ्री है, उसको रूट थ्री से डिवाइड कर सकते हैं आप, ये बन जाएगा टू रूट थ्री वाई इक्वल टू नाइन माइनस वाई स्क्वायर। इधर लेके आए तो वाई स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व तो करने आता है, और अच्छी बात है कि इसको अब चाहे तो मिडिल टर्म में स्प्लिट करके भी सोल्व कर सकते हैं। नाइन का फैक्टर करेंगे तो थ्री इंटू थ्री, थ्री प्लस थ्री माइनस करने से तो नहीं आएगा, लेकिन थ्री इससे रूट थ्री इधर खींच ले तो थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री, और थ्री रूट थ्री माइनस रूट थ्री टू रूट थ्री आता है। थ्री रूट थ्री वाई माइनस रूट थ्री वाई ऐसा लिख देना, मल्टीप्लाई करके माइनस नाइन आ जाएगा और सिंप्लीफाई करके टू रूट थ्री वाई आ जाएगा। पता नहीं ज्यादा नीचे तो नहीं चले गए हम, थोड़ा आते हैं ऊपर आते हैं। केस वन कर रहे हैं, वाई पॉजिटिव के केस में कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा वाई है जो जीरो से थ्री के बीच में है। कॉमन ले लीजिए, वाई कॉमन ले लें तो वाई प्लस थ्री रूट थ्री माइनस, इससे रूट थ्री कॉमन ले ले तो y प्लस थ्री रूट थ्री इक्वल टू जीरो। वाई प्लस थ्री रूट थ्री, वाई प्लस थ्री रूट थ्री दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया जाए। y प्लस थ्री रूट थ्री कॉमन लेते हैं, ये बचेगा y माइनस रूट थ्री। जब x इंटू वाई जीरो होता है तो आइदर x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो, या एक बार या तो ए जीरो होगा या ए जीरो होगा। यहां से y इक्वल टू माइनस थ्री रूट थ्री करें, y इक्वल टू रूट थ्री कौन सी वैल्यू होगी, देखिए निगेटिव तो होगी नहीं, हमने y केस वन में क्या लिया, जीरो लेस देन y लेस देन थ्री, निगेटिव वैल्यू तो होगी ना, बियॉन्ड द रेंज है, बट y जो है जीरो से थ्री के बीच में है तो इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। y की ओके वैल्यू ए वाली आई, y की ओके वैल्यू ए वाली आई जो जीरो से थ्री के बीच में है, केस जो हम ले रहे हैं जीरो से थ्री के बीच में, तो वाई की ओके वैल्यू क्या आई, रूट थ्री। यहां मैं घेरा डाल के लिखता हूं भाई, क्योंकि बाद में मिटाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा क्या आया, वाई इक्वल टू रूट थ्री, ओके वैल्यू एक वैल्यू आई है, और जितनी भी वैल्यू आएगी वाई की सबका सम करना है, तो एक वैल्यू आई हमने घेरा डाल के उसमें लिख दिया। इस केस में तो एक ही वैल्यू आई, दो वैल्यू आई थी, एक बियॉन्ड द बाउंड्री था, तो बियॉन्ड द बाउंड्री वाले को अपने अपने पॉकेट में नहीं रखना, अपने घर से बाहर कर देना। अब केस टू करते हैं, केस टू व्हेन माइनस थ्री वाई लाई बिटवीन माइनस थ्री टू जीरो। वाई कहां से कहां तक लाई करता, इक्वल टू का साइन नहीं है, देख लीजिएगा, अगर थ्री भी आ गया तो उसको भी हम भगा देंगे बाहर, उसको भी अपने पास नहीं रखेंगे। तो माइनस थ्री से जीरो के बीच है जब बाई, तो क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी। तो यहां जो कॉट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू पुट कर रहे थे ना, वो पाई प्लस टेन इनवर्स वन बाई एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स हो जाएगा। तो क्या पुट करें इसमें, टेन इनवर्स सिक्स बाई अपॉन नाइन माइनस वाई स्क्वायर प्लस पाई प्लस टेन इनवर्स हो जाएगा, सिक्स बाई अपॉन नाइन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, ये दोनों ऐड होके टू बन जाएगा, टू टेन इनवर्स सिक्स बाई अपॉन नाइन माइनस वाई स्क्वायर टू पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई थ्री हो गया, टू उधर गया तो सिक्स हो जाएगा, सिक्स वाई अपॉन नाइन माइनस वाई स्क्वायर माइनस पाई बाई सिक्स, ये बन गया टेन वर्स सिक्स वाई अपॉन नाइन माइनस वाई स्क्वायर, टेन वर्स क्यों, टेन उधर भेजिए ना, टेन माइनस पाई बाई सिक्स, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, और टेन पाई बाई सिक्स माइनस वन बाई रूट थ्री आ गया।
भेजिए उसको उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाइए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालिए, क्या बनेगा, रूट थ्री उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिक्स रूट थ्री वाई माइनस नाइन प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस नाइन प्लस वाई स्क्वायर, उस तरह भेज दें तो वाई स्क्वायर माइनस सिक्स रूट थ्री वाई, और उधर ये भेजा है ना हमने तो माइनस नाइन रहेगा, कैसे फैक्टर करें भाई, सिक्स रूट थ्री तो लगता है आएगा ही नहीं है ना, अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, नाइन रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री कुछ भी करेंगे तो मल्टीप्लाई करके नाइन नहीं आएगा, बेटर है कि श्री धाराचार्य फॉर्मूला लगा दिया जाए, वाई इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए लगा दीजिए, श्री धाराचार्य फॉर्मूला लगा दिया जाए, कंपेयर करिए इसको ए बी सी की वैल्यू, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर दे, ए की वैल्यू वन है, ए इक्वल टू वन है, बी की वैल्यू माइनस सिक्स रूट थ्री है, सी की वैल्यू माइनस नाइन है, सी की वैल्यू माइनस नाइन है, ए बी सी जल्दी से पुट किया जाए, कंप्यूटर जल्दी से ए बी सी की वैल्यू पुट करो और रिजल्ट दो, कोई कंप्यूटर ना आएगा यहां पुट करने के लिए, करना खुद ही पड़ेगा भाई, फोर ए सी ए की वैल्यू वन सी की वैल्यू माइनस नाइन, टू ए टू इंटू वन ए हो गया सिक्स रूट थ्री प्लस माइनस रूट अंडर सिक्स का स्क्वायर, थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स इंटू थ्री वन जीरो एट, वन जीरो एट, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स डिवाइड बाई टू, इधर मिटा दिया जाए, 108 प्लस 36, 144, 6 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर 144 डिवाइड बाय 2, 6 रूट 3 प्लस माइनस 12 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 रूट 3 प्लस माइनस 6, दो वैल्यू आया, एक तो आया 3 रूट 3 प्लस 6 और एक आया 3 रूट 3 माइनस 6, अब थ्री रूट थ्री प्लस सिक्स तो थ्री से बड़ा होगा ना, सिक्स में कोई क्वांटिटी प्लस हो रही है, सिक्स में कोई क्वांटिटी प्लस हो रही है तो इसकी वैल्यू तो थ्री से बड़ी ही आएगी, तो इसको इग्नोर करेंगे ना, और उसमें भी हम वाई को क्या माने हैं, माइनस थ्री से जीरो के बीच, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इग्नोर हो जाएगी, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, नॉट कंसिडर्ड, पॉजिटिव वैल्यू तो ऐसे भी ना कंसीडर्ड होगी, क्योंकि हमने केस टू का जो कंडीशन लिया है वो माइनस थ्री से, वाई की वैल्यू माइनस थ्री से जीरो के बीच में, तो ए वाली वैल्यू देखे क्या आएगी, ए है थ्री इंटू वन पॉइंट सेवन थ्री माइनस सिक्स, फाइव पॉइंट वन नाइन माइनस सिक्स, निगेटिव आ रही है वैल्यू, और निगेटिव भी वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ माइनस थ्री टू जीरो है, माइनस थ्री से जीरो रेंज के बीच में है, तो ये वैल्यू हमारे काम की है, ये ओके वैल्यू है, कैसे वैल्यू है, ओके वैल्यू है, वाई की एक और वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, अब दो दो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, और तो तीसरी वैल्यू नहीं, दो ही केस, और दो कैसे, दो वैल्यू हमारे पास वाई की वैल्यू आई है, दोनों का सम करेंगे और सम करेंगे वही सम हमारा आंसर आएगा, सम इक्वल टू क्या होगा, भाई की दो वैल्यू आई है, एक रूट थ्री, एक वैल्यू आई है थ्री रूट थ्री माइनस सिक्स, दो वैल्यू आई है, एक रूट थ्री, दूसरी वैल्यू थ्री रूट थ्री माइनस सिक्स, रूट थ्री प्लस थ्री रूट थ्री कितना होगा, एक आम प्लस तीन आम, आपके पास एक मैंगो है और तीन मैंगो और एड हो गया, फोर मैंगो बन जाएगा, फोर रूट थ्री माइनस सिक्स, फोर रूट थ्री माइनस सिक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिंगल चॉइस वाला था तो एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है ना, तो देखा आपने बड़े मजेदार तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ऐसे ही
जो आगे के वीडियोज आएंगे उसमें 2023 के प्रत्येक प्रॉब्लम को, एक एक प्रॉब्लम को हम सिंपल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और ये हमने ऐसा सोच लिया है कि इसकी एक सीरीज ही बना देनी है। 2023 का अगर सॉल्व हो जाएगा, फिर 2022, फिर 2021, बड़ा मुश्किल काम है लेकिन समय लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। धीरे धीरे हम एडवांस के सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। इसका अलग से मैं प्ले लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, एडवांस IIT JEE एडवांस प्रॉब्लम सॉल्यूशन का एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। और इसका अलग से साथ में जो हमारा सिग्नल सिस्टम बीटेक वालों के लिए जो चल रहा है वो चलता रहेगा। IIT एडवांस के सॉल्यूशन का एक सीरीज साथ में पैरेलल में अलग से चलेगा। आप चैनल वा सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं सब्सक्राइब करिएगा तो कोई भी देख सकते हैं।